Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हाल चाल है व्यूवर्स, आप लोगों का आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों को और आपको उसके आंसर देने होंगे। भी आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आशा देती रहूँगी, लेकिन आप लोग खुद गैस कीजिएगा कि आपको इस चीज़ के बारे में पहले से आइडिया था या नहीं था। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए नहीं थी कि या फिर आप लोग पहले से इन सवालों के जवाब जानते थे। चलें जी, फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। और आज का पहला सवाल है, एक चीज़ चलते चलते थक जाती है लेकिन अगर उसकी गर्दन काटते हैं तो वो दोबारा चलने लगती है। गेस कीजिए कि आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप बिल्कुल आंसर के पास पहुँच चुके हैं। 1, 2, 3, बिल्कुल सही सोचा, इसका आंसर है पेंसिल। सभी जानते हैं कि पेंसिल चलते चलते जब रुक जाती है तो फिर इसको तराशा जाता है और ये दोबारा से चलने लग जाती है। दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? सोचिए जरा, ऐसा कौन सा बादशाह हो सकता है जो बादशाह तो है लेकिन उसके पास महल नहीं है। 1, 2, 3, बिल्कुल सही जवाब, सही बूझे आप लोग। इसका आंसर है शेर, क्योंकि शेर के पास जंगल तो होता है लेकिन उसका अपना कोई घर नहीं होता। हमारा तीसरा सवाल आप लोगों से ये है, कौन सी जगह है जहाँ जाते तो 10 लोग हैं लेकिन वापस 9 लोग आते हैं? कौन हो सकता है जो वापस नहीं आता? चले चले गेस करें। 1, 2, 3, बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है कब्रिस्तान। हमारा आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी चीज़ है जब वो जिंदा हो तो दफना देते हैं, मर जाए तो उसे बाहर निकाल लेते हैं? 1, 2, 3, करेक्ट आंसर, इसका जवाब है पौधा। के जब पौधा जिंदा होता है तो उसे लगा दिया जाता है, दफना दिया जाता है, और जब वो मर जाता है, मुरझा जाता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। एग्री है ना आप लोग भी इस चीज़ से? पाकिस्तान के किसी ऐसे शहर का नाम बताएं जिसको लिखते वक्त 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं। जल्दी कीजिए, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान। 1, 2, 3, बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है पाक पतन शरीफ। ओके जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो सारी ज़िंदगी एक ही साइज़ का रहता है? सोचिए ज़रा कि वो कौन सा हिस्सा हो सकता है जो सारी ज़िंदगी एक ही साइज़ का रहता है। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है इंसान की आँखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा नीचे आती है भी ऊपर नहीं जाती? इसका जवाब है बारिश। आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश आसमान से नीचे आती है जैसे कभी भी ऊपर नहीं जाती और ना ही जा सकती है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ आखिर कौन सी है? सही जवाब, का आंसर है पैसा। आजकल मोबाइल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ है इस दुनिया में, लोग बहुत ज़्यादा उसको भी यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल भी कह सकते हैं और पैसा भी, लेकिन मोबाइल से भी ज़्यादा पैसा इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आप पहले से जानते तो फिर तो आप बाकी में बहुत सही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।